हेलो माय फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मेथड्स हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज गुरवीत सिंह, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ग्रेड 2021 क्वालिफाइड, इंटर्न इन सेमी फाउंडेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो इसमें देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि डी वाई बाई डी टी इक्व टू माइनस फाइव बाई। ओके, क्वेश्चन दिया गया है डी वाई बाई डी टी इक्व टू माइनस फाइव बाई, और इसमें इनिशियल कंडीशन दी गई है बाई इक्व टू टू है जब टी इक्व टू जीरो है। तो टी इक्व टू जीरो पे बाई इक्व टू टू दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी गई है और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें वैल्यू पूछी गई है टी इक्व टू थ्री पे बाई की कितनी वैल्यू होगी। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, मैं ही करके दिखाता हूँ आपको सॉल्व। डी वाई बाई डी टी इक्व टू माइनस फाइव बाई, डी वाई बाई डी टी इक्व टू माइनस फाइव बाई। ओके, तो जो बाई को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, डी वाई इक्व टू डी वाई अपॉन वाई माइनस फाइव टी फाइव डी टी। ओके, और जो वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वाई इक्व टू माइनस फाइव टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, टी इक्व टू जीरो पे, टी इक्व टू जीरो पे क्या है हमारा, वाई इक्व टू टू है, तो वाई इक्व टू टू हो गया और माइनस फाइव टी इक्व टू कितना है जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एल एन टू। सी की वैल्यू कितनी आ गई, एल एन टू, और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन हमारी हो जाएगी एल एन वाई इक्व टू माइनस फाइव टी प्लस एल एन टू माइनस फाइव टी प्लस एल एन टू। ओके, अब एल एन टू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन टू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा एल एन वाई माइनस एल एन टू इक्व टू माइनस फाइव टी। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है पता ही होगा, लॉग एम अपॉन एन एल एन बाई बाई टू इक्व टू माइनस फाइव टी। ओके, बाई बाई टू कितना हो जाएगा, बाई बाई टू इक्व टू ई की पावर माइनस फाइव टी। बाई इक्व टू हो गया हमारा टू इंटू ई की पावर माइनस फाइव टी, और उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी इक्व टू थ्री पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाई की, तो टी इक्व टू थ्री पर बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई इक्व टू ये देखिए यहाँ पे यही है ना, तो हमारी हो जाएगी वाई इक्व टू टू ई की पावर माइनस फिफ्टीन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया वाई इक्व टू टू ई की पावर माइनस फिफ्टीन। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या, जूम करते हैं इसको थोड़ा, देखिए दिया गया है इसमें। ओके, देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, कौन सा, ये वाला सी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाँ, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, टी इंटू डी एक्स वाई डी टी प्लस एक्स इक्व टू टी। ओके, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमारा डी एक्स वाई डी टी प्लस एक्स इक्व टू टी, इसमें मल्टीप्लाई भी है यहाँ पे टी का। तो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें फॉर्मेट किसका दिख रहा है,
डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का, कैसे? एक्स को अगर हम वाई से कंपेयर करें तो क्या हो गया, डी वाई वाई डी एक्स, और इसको अगर हम टी को क्या करेंगे, देखिए टी से डिवाइड कर दो पहले, टी से डिवाइड करोगे अपने आप दिखने लगेगा, तो डी एक्स वाई डी टी प्लस एक्स वाई टी इक्वल टू वन। ओके, अब ये देखिए कौन सा फॉर्म बन गया, इसकी कंपेरिजन कीजिए आप, डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, ठीक है? तो इसमें हमारा पी क्या है, पी क्या है बताइए, और क्यू, क्यू तो हमारा क्या है, क्यू है वन। ओके, क्यू कितना हो गया, वन हो गया, और पी हो गया हमारा वन बाई टी। इसमें हमारा देखिए पी हो गया वन बाई टी और क्यू हो गया वन, और हमने इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया था। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला होता है वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, और ये होता है हमारा डी एक्स। तो अब आई एफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई एफ फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं ई की पावर पी डी एक्स। आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर पी डी एक्स, और पी हमारी है क्या यहाँ पे, वन वाई टी। अभी मैंने बताया पी क्या है हमारी यहाँ पे, वन वाई टी। ये देखिए यहाँ पे पी क्या है, वन वाई टी, कि पी हमारा वन वाई टी है, तो यहाँ को, और जो एक्स है हमारा, जो एक्स है हमारा वो टी है, तो ई की पावर वन वाई टी डी टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ई की पावर एल एन टी, तो ये हमारा आ जाएगा टी यहाँ पे। आई एफ कितना आ गया, टी। अब तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, यहाँ पे अगर आई एफ कितना आ गया हमारा, आई एफ आ गया हमारा टी, और बाई कितना है हमारा, बाई है हमारा एक्स। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स इंटू टी इक्वल टू क्यू कितना हमारा वन, आई एफ कितना हमारा टी, और एक्स कितना है हमारा डी टी। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सॉल्व करके ही दिया है। देखिए सेम चीज़ बन गई, एक्स टी इक्वल टू टी डी टी। अब इसको सॉल्व कैसे कर देंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है क्या, एक्स टी इक्वल टू, और ये हमारा टी डी टी है, टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब इनिशियल कंडीशन जो भी दी गई है ना, उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू निकाल के यहीं पे पुट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, अब इसमें इनिशियल कंडीशन क्या दी गई, इनिशियल कंडीशन दी गई है टी इक्वल टू वन पे एक्स कितना है, वन बाई टू है, टी इक्वल टू वन पे, ये हमारा दिया गया है टी इक्वल टू वन पे एक्स हमारा वन बाई टू है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैंने शायद नेक्स्ट स्लाइड में इसको शो भी किया है, तो सी कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया यहाँ से, और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्या है, ये हमारा उसका है मैट्रिक्स का। ओके, तो इसमें ये हमारी इक्वेशन दी गई है दो, ये वन इक्वेशन ये टू इक्वेशन है, और हम जानते ही हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उन्हें कैसे हम शो करते हैं, इनके जो कोफिशियंट है ना, थ्री माइनस फाइव फोर और एट, इनको एक मैट्रिक्स में लिख लो, इनको एक मैट्रिक्स में लिख लिया, और ये एक्स और वाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, और जो हमारा डी एक्स वाई डी टी और टी वाई वाई डी टी जो भी लिखा है, इनको हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी, और इससे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। अब हमारा एक और इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, कि डी वाई वाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है? तो इसमें वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, और वो अलग अलग होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं,
क्या करेंगे, जो हमारा एक्स प्लस वाई है ना, इसको कुछ एज्यूम कर लो, उसको मैं जैसे इसमें सॉल्यूशन में क्या किया गया, इसको जेड एज्यूम कर लिया गया, एक्स प्लस वाई को, एक्स प्लस वाई को जेड एज्यूम करेंगे और यहाँ पे अगर रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस जेड। ठीक है, जेड इक्वल्स टू अगर एक्स प्लस वाई है और जेड को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, जेड को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डी जेड इक्वल्स टू आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी जेड माइनस 1, तो हम डी डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी जेड माइनस 1। यहाँ पे डी जेड माइनस 1 रखा, ये क्या आ गया, कोस जेड आ गया। अब डी जेड कितना हो जाएगा, डी जेड कोस जेड माइनस 1 हो गया। देखिए ये ऐसा ही हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, और इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हैं दो तीन, इनको करो और उसके बाद बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आराम से इजीली न्यूमेरिकल्स बनने लगेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।